नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सृजन आर्किटेक्ट की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बेहतरीन से विलेज हाउस प्लान के बारे में, किस तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया है, क्या क्या लागत आएगी इसको कंस्ट्रक्ट करने में, क्या हमने इसमें एलिमेंट यूज़ किए हैं इस एलिवेशन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिज़ाइन की वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं इसके 3D प्लान की तरफ एंड देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्लान डिटेल के बारे में तो हमें ये प्लॉट साइज देखने को मिलता है 18 फीट बाय 25 फीट का, मींस 50 गज में आपका ये प्लॉट रहने वाला है। 450 स्क्वायर फीट का एरिया जिसको हमने पूरा कवर किया है कंस्ट्रक्शन के लिए। ग्राउंड फ्लोर प्लान आपको सिर्फ इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें एक बेडरूम, एक टॉयलेट, एक ड्राइंग रूम, एक किचन स्पेस के साथ आपको ये प्लान देखने को मिलता है। पार्किंग एरिया हमने कोई भी अंदर प्रोवाइड नहीं किया है एंड जो स्टेयरकेस इसमें आपको देखने को मिलती है वो अंदर की साइड से ही मिल जाती है। एंड जो इस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी आज के टाइम में 5 से 6 लाख के बीच में देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा लो हाउस कंस्ट्रक्शन इन विलेज रहने वाला है। बात करें इसके 3D प्लान की तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका 3D प्लान रहने वाला है। ये हमने डिज़ाइन किया है 18 फीट बाय 25 फीट के प्लॉट एरिया पर जिसमें हमने टोटल 9 कॉलम प्रोवाइड किए हैं। कुछ इस तरीके से ग्रिड में प्लेस कॉलम आप देख सकते हैं। ऊपर के लेवल की तरफ चलते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी स्टेयरकेस आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलती है। रोड लेवल से अप्रॉक्स 1.5 फीट ऊपर हमारा इसका प्लिंथ रहने वाला है। कुछ इस तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया। इसमें ऐड करते हैं आगे के लेवल्स। सो दोस्तों ये हमारी वॉल्स कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ये हमारा जो हाउस है ये 3 साइड से कवर रहने वाला है, सिर्फ फ्रंट से ही रोड साइड देखने को मिलती है। तो हमने ये तीनों साइड कोई भी विंडो प्रोवाइड नहीं किया है तो हमने इसके लिए OTS प्रोवाइड किए हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे डिस्कस करेंगे इसमें साइजेस के बारे में तो वीडियो में बने रहिए। अभी हम देख लेते हैं इसके आगे के प्रोसेस के बारे में। कुछ इस तरीके से इसमें डोर एंड विंडो आप देख सकते हैं। ये फ्रंट में हमने इसका प्रोजेक्शन दो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया आप देख सकते हैं। अब इसमें ऊपर के लेवल सेट करते हैं। ये हमारा विंडो के ऊपर का लेवल, देन ये वॉल्स एंड ये हमारा बीम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। स्टेयर्स आप देख सकते हैं, ये हमारी स्टेयर्स कुछ इस तरीके से रहने वाली हैं। बात करते हैं इसके प्लानिंग के बारे में तो अप्रॉक्स 1.5 फीट ऊपर हमारा इसका प्लिंथ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। एंटर करते हैं हम मेन एंट्री गेट से। ये हमारा 4 फीट वाइड मेन एंट्रेंस गेट रहने वाला है। एंटर करते ही हम लिविंग हॉल में पहुंचते हैं जो कि साइज हमें देखने को मिलता है 9 फीट 8 इंच बाय 8 फीट का हमारा ये लिविंग हॉल बैठक रहने वाली है। कुछ इस तरीके से आगे की साइड चलते हैं तो हमें 2 गेट और देखने को मिलते हैं। एक जो गेट हमारा टॉयलेट एरिया रहने वाला है जो कि हमारा साइज रहने वाला है 5 फीट 9 इंच बाय 4 फीट 4 इंच का हमारा ये टॉयलेट रहने वाला है। इसके साथ ही हमने 1 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 6 इंच की एक OTS प्रोवाइड की है इस टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए। एंड जो ये लिविंग हॉल है इसकी वेंटिलेशन विंडो आप सामने की साइड देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये दूसरा गेट जो आप देख रहे हैं ये हमारा बेडरूम रहने वाला है जो कि हमारा रहने वाला है 10 फीट बाय 10 फीट का। एंड जो इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे पीछे की साइड OTS प्रोवाइड किया हुआ है जो कि OTS हमारा रहने वाला है 6 फीट 1 इंच बाय 2 फीट का हमारा OTS। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी विंडो रहने वाली है तो इसमें भी आपको वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। साथ ही बात करें हमारा ओपन किचन आपको देखने को मिलता है OTS से ही इसका हमने विंडो प्रोवाइड की हुई है जिसका साइज आपको देखने को मिलता है 6 फीट 1 इंच बाय 8 फीट 4 इंच का आपका ये किचन रहने वाला है। इसके जस्ट सामने स्टेयरकेस आपको देखने को मिल जाती है जो कि हमें टेरेस लेवल पर ले जाती है। अब बात करते हैं इसके ऊपर के लेवल्स की, ऐड करते हैं इसमें टेरेस लेवल। देखिए कुछ इस तरीके से सेम 4 कॉलम हमारे नीचे से जो चल रहे थे कुछ इस तरीके से ऊपर तक चलेंगे। जैसा कि हमने इसे ब्रेक एलिवेशन में आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके किस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन हमने किया हुआ है। तो देखिए सेम कॉलम हमारे ऊपर 4 रहने वाले हैं। अब इसमें मम्टी बॉक्स कुछ इस तरीके से इसका मम्टी बॉक्स देखने को मिलता है। डोर एंड विंडो ऐड करके देख लेते हैं किस तरीके से डोर एंड विंडो की पोजिशन रहने वाली है। तो देखिए कुछ इस तरीके से डोर एंड विंडो ऐड हो गए हमारा स्टेयर से हम इधर आके डोर हमारा ये देखने को मिलता है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं जो हमारा विंडो का प्रोजेक्शन हमने प्रोवाइड किया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा प्रोजेक्शन रहने वाला है। ऊपर के लेवल्स, ये हमारी पैरापेट वॉल, इसमें हमने जो डिज़ाइन दिया है वो भी ऐड कर लेते हैं। बाकी तीनों साइड आपको कोई भी विंडो नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ फ्रंट में हमने इसमें विंडो प्रोवाइड की है और आपको पूरी ओपन ऊपर टेरेस मिल जाती है। अब चलिए इसमें ऐड कर देते हैं पैरापेट वॉल में जो हमने डिज़ाइन प्रोवाइड किया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से कटआउट हमने जो कि फ्रंट एलिवेशन में काफ़ी अच्छे लगते हैं।
इसमें ये ऊपर का लेवल एंड देन ये हमारा फाइनल व्यू, कुछ इस तरीके से ही हमारा एलिवेशन कंप्लीट होता है। अब इसका एक फाइनल व्यू ले लेते हैं। सो दोस्तों ये इसका एक फाइनल व्यू आप देख सकते हैं, आगे की साइड प्लांटर एंड कुछ इस तरीके से इसमें फ्रंट में हमने विंडो में प्रोजेक्शन के लिए ऐसे प्रोवाइड किया और डिज़ाइन एंड ये हमारे पैरापेट वॉल पे भी डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ये हमारा एक सिंगल साइड एलिवेशन कुछ इस तरीके से बेहतरीन सा एलिवेशन, जिसमें हमने तीन साइड अदर प्रॉपर्टी के हिसाब से डिज़ाइन किया है, बाकी तीनों साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सो दोस्तों ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या डिज़ाइन में आपको अच्छा लगा हमें टैग कीजिएगा उस कमेंट में। सो दोस्तों ये था हमारा आज का बेहतरीन सा 18 फीट बाय 25 फीट में डिज़ाइन किया गया 1 BHK के साथ बेहतरीन सा हाउस डिज़ाइन। अगर आप ऐसे ही डिज़ाइन हमारे चैनल पर रेगुलरली देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिज़ाइन हम आपके लिए डेली रेगुलर बेसिस पर वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों के लिए चैनल पर लाते रहते हैं, तो आपको उससे आपके कंस्ट्रक्शन टाइम में काफ़ी नॉलेज मिलेगी। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट नहीं किया तो ज़रूर से विजिट कीजिएगा, ऐसे बेहतरीन से और भी डिज़ाइन हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिज़ाइन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।